बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एन पी पर जॉब एम सी क्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड दो, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये पास्ट पेपर एम सी क्यूज़ की सीरीज़ है और इसमें जो है एवरी डे साइंस, पाक स्टडी वगैरह सारों की सीरीज़ इस तरह से शुरू करेंगे। ये एवरी डे साइंस के 50 एम सी क्यूज़ हैं आई बी ए मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जितने भी पेपर इसको हो चुके हैं सारों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। के विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो ये नेपच्यून है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज की इकाई क्या है? चार्ज की इकाई कोलम्ब है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट शुड कुड बी कोरेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंथ। लॉन्ग साइड के लिए कन्वेक्स लेंथ हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। शॉर्ट के लिए कनकेव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इस, ये 120 डेज इसकी उम्र होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो ये बिक्वेरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी को ईजाद किया था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कॉल्ड, इसको बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन इज अ सन, ये क्या है? ये एक स्टार है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गैस यूज इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज, तो इसमें टेलीफ्लोरोथेन इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट 5 लीटर खून होता है एक इंसान में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये एक दो कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स में कायनात में सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। जबकि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। इसको काइंडली जो है गौर से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर, तो ये 10,000 से 15,000 तक। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होते हैं? रिकेट्स होते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, तो ये ओस्मियम है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कैमरा यूजेज अ डैश टू फॉर्म एन इमेज, कन्वेक्स लेंस इसमें होता है। कैमरा में भी वो दूर से चीज़ों को क्या करते हैं? अपने अंदर कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी एन जी स्टैंड फॉर, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर आता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। साउंड जो है ये खला में हरकत नहीं कर सकता, यानी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, यानी इट स्प्लिट इनटू डैश कलर, जब वो सफ़ेद रोशनी प्रिज्म यानी मंशूर के ऊपर से गुजरती है तो ये 7 रंगों में तब्दील हो जाती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर इज, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10^-9 मीटर्स होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज, वेरी हाई टेम्परेचर के लिए पैरोमीटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या होते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इस में करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज, तो ये 5 से 21 डेज इसका उम्र होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। वाइट ब्लड सेल की ये सेफ गार्ड होती है हमारे जिस्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड इज नॉन, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट, तो ये सी वाटर होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। ये लास्ट में क्या होता है, जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज, एक होता है सन एक होता है अर्थ, अर्थ का नजदीक तरीन सियारा कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, वेनस। ये अर्थ का के नज़दीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट अ हाई स्पीड इज, तो ये कौन सा होता है, मरकरी होता है। 88 डेज में ये एक चक्कर मुकम्मल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जनरल कमिट्स हैव डैश ऑर्बिट्स, तो हाई एलिप्टिकल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPS इज एन अब्रीवेशन ऑफ, GPS जो है इसका अब्रीवेशन क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द, तो ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, किस चीज़ का होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट नाइट प्लांट इनटेक डैश एंड रिलीज, प्लांट रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिन प्रोड्यूस इन, यूरिन जो है कहाँ पर पैदा होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है, यूरिन में। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन द सी वाटर इज, तो 1 किलोग्राम है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेनेट विच इज इजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कौन सा प्लेनेट इजिली विजिबल है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी आता है, वेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट स्पॉट इन इज ऑन द प्लेनेट, तो ये कौन सा है, जुपिटर है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन लाइट ईयर जो होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है इसमें, 9 × 10^12 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश सेव द अर्थ फ्रॉम मेनी कमेट्स एंड एस्ट्रोइड, तो ये जुपिटर है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेलीस्कोप द प्लांट्स सॉरी द प्लेनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, तो ये 5 है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये 10 से 20 बिलियन ईयर एगो। ऑप्शन ये इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोसेंसर इज यूज फॉर मेजर टू ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन जो है जो कि फेमस इक्वेशन है इसका विच स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज, तो ई इज इक्वल टू mc2। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, एम्पेयर है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर है इसका ये क्वेश्चन, तो ये इसका क्वेश्चन है इसके बाद कि फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश एसेंशियल, तो इसके लिए फ्लोरीन ज़रूरी है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज लॉस ऑफ एपिटेट एंड पोर ग्रोथ, तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये एटमॉस्फेयर की स्टडी को कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड दी था इसका ये पार्ट। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल जॉब एमसीक्यूज को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।